हमारे पंचायत में सबसे फर्स्ट में हम ही लोग का सेंक्शन हुआ और आज तक वह जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है और जैसे का तैसे हम पानी प्यासे हम लोग तरसते हैं। मुखिया जी काम है गुंडागर्दी करना, दबंगई करना, पैसा से डीएम एसपी दरोगा वार्ड बीडीओ सीओ सब खरीद लेना, लेकिन खड़ा है सामने वार्ड है बेचारा। पानी के लिए हम लोग त्रायमान है, 17 से 20 लाख रुपए उठा लिया है, पानी नहीं मिल रहा। मुखिया लाली वहाँ खराब हो रही झड़वा जी कहियो कहियो झड़वा की। नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं अभी पहुंचा हूं गोराडी प्रखंड के सालपुर पंचायत में। यहां पर मुखिया द्वारा ग्राम विकास के लिए क्या क्या कार्य किया गया है, कौन कौन से योजनाएं हैं जो धरती पर दिखाई दे रही हैं, और यहां पर विकास कार्य क्या क्या हुआ है, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, हम आपको सारी सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। मैं अभी मौजूद हूँ गोराडी प्रखंड के सालपुर पंचायत वार्ड संख्या 1 में। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री जल नल योजना की सक्सेस का डंका पीट रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज मैं जिस गांव में मौजूद हूं, यहां दिखाते हैं कि धरती पर हकीकत क्या है। कागजी कार्रवाई तो बहुत होती है, पर असलियत में यहां पर जल नल योजना की कितनी स्थिति अच्छी है और कितनी बदतर है, ये यहां के लोकल इंसानों से, यहां के स्थानीय इंसानों से जानेंगे और बातचीत कर आप तक सच्चाई पहुँचाएंगे। भैया नाम क्या है आपका, नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या रहा पिछला कार्यकाल मुखिया का, जल देख रहे हैं जल मीनार, इसमें क्या? ये 2014 का स्कीम था और इसका टोटल पैसा अन्य उठा के वो लोग खा गया है। और जल नल का स्थिति जो देख ही रहे हैं, बोरिंग का क्या स्थिति है, न पाइपलाइन का भी काम हुआ है, जो भी काम हुआ है इसमें दुरुपयोग के तरह से वो लोग सब पैसा हड़प लिया है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुमंत कुमार हुआ। देख रहे हैं मीनार में ना मशीन है ना मोटर है, क्या हाँ पानी तो ये मिला यही तो फंडा है ना उनका, यही फंडा है। जल मीनार दिख रहा है, जल का पता नहीं है। आप कनेक्शन देखिए, कनेक्शन खुला हुआ है, मोटर नहीं है। यहाँ तक जितने लोगों पाइप जहाँ पे बिछा हुआ है उसके घर में खाली नल का पाइप दिया हुआ है, नल नहीं लगा है, ना पानी आता है। लोग तो पानी के लिए ऐसे ये त्राईमा कर रहा है। कुछ लोग है जो अपना पर्सनल मोटर से पानी सबको दे रहा है, बाकी स्थिति दयनीय ही है यहाँ की। नहीं, लेकिन अगर मोटर नहीं है, जब कंस्ट्रक्शन हुआ इसका तो उसके कुछ दिन बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात का तो हुआ होगा अंदाजा कि अब हम लोगों को घर घर पानी मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा गया है बहुत सारे। मेरे पास कुछ एविडेंस भी है, इनके जो पैसे निकले हैं उसके एविडेंस है मेरे पास अवेलेबल, से वो सारे एविडेंस मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो ये कंडीशन ऐसा है कि पैसा इनका पूरा उठ गया है और पैसे का सिर्फ घपलाबाजी है, काम हकीकत पे जीरो है और पैसे का सिर्फ दुरुपयोग किया गया। ये जो 7 निश्चय है इसमें सिर्फ लूट मचाई गई है पैसे का। मैं बता दूं कि लक्ष्मी देवी इस पंचायत की मुखिया है और पिछले दो टर्म से मुखिया है, एक टर्म और थी और दूसरा टर्म ये है। और विकास क्या हुआ है यहाँ के गांव में ये आप खुद देख सकते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है सच्चाई। आपको ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो इस समाज के, जो इस ग्रामीण क्षेत्र के सबसे निर्धन व्यक्ति हैं। इनकी समस्या क्या है और क्या क्या ये अपने मुखिया या ग्राम सेवक से मदद चाहते हैं, ये खुद आपको बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ चाचा? हमारा जितेंद्र मंडल नाम हुआ। क्या समस्या है? घर तो हमारा पूरा गिरा हुआ है। अच्छा, 2 बार फार्म भरा, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, इसका माने क्या है? मुखिया यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा। मुखिया के क्या नियम है कि फार्म हम 2 बार भर चुके हैं, पहले बार तो बोला 2021 में होगा, तो कोई सुनवाई नहीं किया। अभी हमारा जो बाल बच्चा को लेकर को कहाँ रहेंगे पहले ही बताइए, रहने लोग बताइए, रहने के लिए आपके पास घर नहीं है, साधन नहीं है। और 2 बार मुखिया फॉर्म भरवा चुका है आपसे, इंदिरा आवास 2 बार हुआ है, 2 बार फॉर्म भराया, कुछ नहीं हुआ है। कब तक भराया फॉर्म? यही तो अभी 4 दिन आगे जमा किए हैं। अच्छा, अभी बोल रहा है कि 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद देंगे। हम कहाँ रहेंगे, फुट पर रहेंगे? इसके पहले 1 साल 1.5 साल पहले इन्होंने भरा था, हमें फॉर्म भी 1.5 साल आगे दिए थे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। देख रहे हैं ड्रिलिंग का, पानी का साधन नहीं, कुछ है। मुखिया को बोलने गए कभी? मुखिया को कितने बार हम बोलेंगे? मुखिया को कम से कम 100 बार बोल चुके हैं, मुखिया को सुनाई नहीं कर रहा। होगा कब होगा? जब ऊपर चला जाएगा तब होगा। मुखिया जी काम है गुंडागर्दी करना, दबंगई करना, पैसा से डीएम एसपी दरोगा वार्ड बीडीओ सीओ सब खरीद लेना, लेकिन खड़ा है सामने वार्ड है बेचारा। पानी के लिए हम लोग त्रायमान है, 17 से 20 लाख रुपए उठा लिया है, पानी नहीं मिल रहा है। RTI से पूछे, जवाब दिया, मेरे पास पत्र उनके पास जब थी सब लिखा हुआ। हम लोग किसको कहे कि यहाँ मुख्यमंत्री पहुंच जाए, पत्थर निकाल दे जमीन से, मुख्यमंत्री आ जाएंगे। वैसा हम लोग साधन नहीं। शिकायत किया मुखिया को आप लोग?
हम लोग मुख्यमंत्री को शिकायत दिखा दो पेपर, मुख्यमंत्री को लिखित दिया हुआ लिखित है राइटिंग है। मुखिया चाहता है जीता करके हम लोग को गर्दन काटे, ये तो मुखिया काम है, दो दो बार जीता है। नहीं तो आप अगर किसी को वोट दे रहे हैं हाँ। तो ऐसा प्रत्याशी देख के नहीं दीजिएगा जो आपके समाज का विकास आपके मन में अभी क्या हम जानते हैं, हमारे मन में क्या जानते हैं। अगर कोई आदमी नया आके आपके समाज में तो चुनाव नहीं लड़ेगा, आप ही के समाज का कोई आदमी लड़ेगा। अरे भीतर को देखता है मेरे पास कितना रुपया है या है कि नहीं है। हम उसको दो बार जीता है, अकेले आदमी है जो मत ठीक खेल कर जीता है, लेकिन सलाह सबका साथ अपना विकास करता है। अच्छा मतलब आप उनके समर्थक रहे हैं? रहे हैं लेकिन अब छोड़ दिए हैं उसको साल भर से, उनका रवैया देखते हुए घोटाले। अरे कर्ज करता है वो, कुछ पूछता है वो, आपकी पता चल जाएगा कर्ज का क्या होता है। सदानंद सिंह बुझ लिया, हमारे विधायक जी पता चल गया ना उनको, मुखिया सब कर्ज करता था, हार गए बेचारे। विजय कुमार मंडल हमारे साथ वार्ड सदस्य मौजूद हैं और ये बताएंगे कि आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, और जल पहुंचाने की बात जब हर घर तक हुई थी तो सिर्फ पाइप ही क्यों पहुंची है। हम ये बताइए कि पाइप तो पूरे गांव में बिछ गया है, पानी एक भी बूंद क्यों नहीं कहीं से निकल रहा है? बोरिंग सक्सेस नहीं हुआ है, बोरिंग का जो ठेकेदार जो बोरिंग किया जो सही समय समय पर उसका झड़िया नहीं किया, उसमें अर्थिंग लगाया है, जो भी कमी है वो सही नहीं किया, उसमें बोरिंग में जो है समरसेबुल कहते हैं क्या करें, मशीन हाँ पंप भी सही नहीं है, किसका काम है, है। किसका काम ठेकेदार का काम है जो वेंडर लिया तो है काम। लेकिन आप वार्ड मेंबर हैं तो आपका दायित्व तो बनता है ना इस समस्या को अपने बड़े जनप्रतिनिधि के सामने रखना। हम तो बड़े प्रतिनिधि मुखिया जी को बी डी ओ साहब को डी डी सी अब जहाँ प्रतिनिधि हैं सब पदाधिकारी को भी सूचना दी है हर जगह हमारे यहाँ काम बाधित है, काम नहीं हो रहा है, जनता पानी पीने के लिए तरस रही है। नाम क्या आपका? मेरा नाम दिनेश दास है। और कौन थे? और नंबर दो के वार्ड सदस्य से भी हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। भैया नाम क्या हुआ आपका? श्याम प्रसाद साहब। श्याम जी आपके समाज में इतना समस्या है, आप वार्ड सदस्य होने के नाते क्या कुछ कर रहे हैं? क्या करेंगे सर, हम तो देखिए वीडियो ग्राम सेवक डीडीसी डीएम तक एप्लीकेशन दिए, जो कि हमसे शुरू में 5 लाख रुपया हमको मिला, उसमें 7 लाख मुखिया जी मांग किए हमसे कि हमको 19.5 लाख का हमारा योजना था उसमें 7 लाख मांग किए मुखिया जी, और जो वही पैसा हम नहीं देने के कारण आज तक हमको पैसा नहीं मिला, जो 5 लाख शुरू में दिया वही दे के रह गया, इसलिए हम कहाँ से पूर्ति करेंगे, अपना खुद पैसा लगा के कुछ घर में टोटी चला रहे हैं, अभी ऐसा व्यवस्था है। देखिए सबका आवेदन मेरे पास है लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होता है, मतलब खुद के फंडिंग से आप कुछ घर में पानी पहुंचा रहे हैं, और आप शिकायत जिला के सभी आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि के पास कर चुके हैं, समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ, मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जब आप अपने हवाई जहाज से हवाई सर्वेक्षण करते हैं तो कभी इन गलियों में भी आया कीजिए, कभी बिहार के हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए। जब आप यहाँ आइएगा और एक लोटा पानी आपको नसीब नहीं होगा तब आपको पता चलेगा कि आपका जल नल योजना कितना सक्सेसफुल है। हम लोगों का जो नल जल का जो काम हमारे पंचायत में सबसे फर्स्ट में हम ही लोग का सेंक्शन हुआ हाँ। और आज तक वह जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जैसे का तैसे हम पानी प्यासे हम लोग तरसते हैं, और दूसरे जगह अगर जब बाद में वो सब का सेंक्शन हुआ तो वो लोगों का पानी चल के तैयार है, और हम लोग खोजते रह गए सीईओ बीडीओ कलेक्टर कहाँ जाए, हम लोग किसके पास तक जाए, मुखिया को बोलिएगा, मुखिया क्या, मुखिया से तो बढ़ के है बीडीओ, बीडीओ से बढ़ के डीडीसी, डीडीसी से बढ़ के है आपका उच्च पदाधिकारी, लेकिन हम लोग कहीं जाते हैं कितना हम लोग दरखास्त देकर थक गए, लेकिन आज तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ, और ये झुमका के तरह लटका हुआ है, और कोई पदाधिकारी आता है सबको दिखाते हैं लेकिन कोई आज तक सुनने वाला नहीं। बर्बाद कर दिया पाइप बिछाने के नाम, पाइप बिछाने के नाम पर सड़क बर्बाद क्या, वो तो काट के बिल्कुल वो चला गया और आज तक लौट के नहीं आया, और उसके बाद आज तक वो होगा या नहीं होगा ये तो राम जाने। नाम क्या बच्चा आपका? हमारा नाम फकीर दास। समाज में जितनी भागीदारी पुरुषों की होती है उतनी ही भागीदारी महिलाओं की भी होती है, जिस प्रकार से पुरुषों को दिक्कत होती है आने जाने में उसी प्रकार से उतनी ही दिक्कत महिलाओं को भी होती है, तो आइए कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितने दिन से ये समस्या है और क्या क्या परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। चाची क्या नाम हुआ आपका? की नाम बोला? ज्ञाना देवी। की दिक्कत छे है जे देखै छौ नाला रोड बहै छौ? देखै छौ यहाँ गिरै छियै पानी रन साधन नै छै, जाय रो कहाँ जेबै बच्चा पुतरु गिरै छारो की तहै, एकरा से तो बीमारियो न फैलते जाय छै, मक्खर लागै छै बड़का बड़का
तब हम पिल्लू छै कतौ रोज बाल्टी बाल्टी फेकबै हम रोज बाल्टी बाल्टी फेकै छियै रोज एकरा बाल्टी में भरिक फेकै छौ रोज तब बाकी और भी लोगों से बात करते हैं है बताओ चाची है जे छै एकरा से बीमारी फैलता होतो बड़का बड़का कीड़ा निकलै छै नेसा आरो रात कर हिरिन ठमन नै करै छै एतने महकै छै कि मुखिया के एकरा झड़बाबै रो काम होइ छै तो मुखिया कहाँ हमरा सिर सब नाम ना मुखिया आवे छे दू बाल्टी जबकि हम मसाला बनलो इने टोटी पर दलिए मुखिया एकदम से फायर हो गेले ओकरो जे लेबर नहीं चले अब एक आदमी के कमर फिर और नहीं चिकना करा दल के आ हिंदन कितना आदमी गिर लए दू बच्चा गिर लए बारो गिर लए आ हजेस ने गिरा छे हाउस में बोलबे नहीं करे जी तो हम हो ऊपर मामा राकन जग चलो तो हम मट्टी दे देना छी तर देख नला के जा पानी जहां जेबा बात आबा इतने आबा की हम बोलबे परेशानियों का अच्छा चाचा तो बताबो है सड़क जे छे एकरा पे कत्ते दिनों से नाला बहिर लो छौ आरो की लागे छौ कहियो ठीक होता हूं कि नहीं हो गया साल भर एक साल से ये सड़ रहा है गाछ जो कि महावीर स्थान है हम सब उप सरपंच है हम बुरा बा नहीं है उप सरपंच हमसे पूछ रहा है तो है समाज और उप सरपंच छको तोरा तरफ पंचायत पंचायत रह तोरा तरफ से करो जनप्रतिनिधि के आला अधिकारी के इतनी सूचना देलो गेले हां सब सूचना देलो गेले लेकिन बने पर सब सब एकदम गायब छे मैं एक मुखिया वार्ड की करके ने करके छोरी सारी भागी अच्छा तो तुम भाई बताबो तो उप सरपंच को चाचा तो समाज और उत्थान वास्ते काम करे छो तो है बताबो जे है कार्यकाल में मुखिया छे ओकरो काम वास्ते संतुष्ट छ संतुष्ट हम कहां सोबे संतुष्ट कहां होबे जब हम सरियरो से खा जाय हम तो संतुष्ट कथि हो संतुष्ट हम कथि होबे हमरा की जरूरत है संतोष जो इन मसाली का जैकी हम उप सरपंच आरो भरवान नारा से सरियरो से अब हाथ का मचली रोज है हाँ तो अभी डीएम के पास पहुंचेंगे लोचे में डीएम के पास पहुंचेंगे गिरता पड़ता होते आदमी हाँ गिर गए ये उठो का कमर टूट गया अच्छा कमर टूट गया तो अब कितना के रुपया खर्चा हुआ ये हम नहीं कर सकेंगे यहाँ एक ठोका गिर गया बगले में गिर करके ये पली के गायब हो गया हाँ गिरता है कि कोई गिरता है कोई कुछ होता है ये बस बस करके किनारे किनारे जाता है अब ड्रामा देखिए किस ढंग का है लगातार आप तक गांव की सच्चाई जो हकीकत है वो पहुंचाते रहेंगे हम हमारा कारवां हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में जाएगा और आपको दिखाएगा कि आखिर धरती पर सरकार द्वारा कितना काम किया गया है सालपुर पंचायत का पूरा भ्रमण कर हमने आपको दिखाया यहाँ हो रही विकास की सच्चाई अभी हम मौजूद हैं यहाँ समाजसेवी पिंकी देवी के साथ जो भावी प्रत्याशी भी हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मुखिया द्वारा क्या क्या विकास कार्य पिछले 5 साल में किया गया और चुनाव जब ये लड़ेंगी तो इनका क्या मुद्दा होगा जिनके बल पर ये अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी मैम 5 साल पूरा होने वाला है फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगी और फिर से चुनाव होगी पिछला 5 साल बीत गया मुखिया द्वारा क्या क्या विशेष विकास किया गया आपके क्षेत्र में अभी तक तो हमको कुछ अभी नहीं समझ में ये भी कि विकास में तो ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ 5 साल में हर जगह नल लगाया कहीं टूटा फूटा नल है तो कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है नाला आदि है बनाया गया है तो कहीं टूटा नाला है जो अच्छा नाला है उसको तोड़ के खराब कर रहा है जो खराब है उसको अच्छा करना चाहिए तो वो भी नहीं कर रहा है आप महिला हैं आप समाज सेवी भी हैं साथ साथ तो महिला के लिए कुछ विकास इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ दिखाई दिया हो आपको महिला के लिए तो ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं जो भी जैसा है उसी तरह कर रहा है अच्छा आप चुनाव लड़ने वाली हैं आपका भी कुछ मुद्दा होगा राजनीतिक मुद्दा आप क्या क्या विकास की कमी देख रहे हैं अपने क्षेत्र में और जो जो परिवर्तन आप करेंगी तो आपका क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में सबसे तो पहले देखते हैं शिक्षा का सबसे महत्व जो जैसे परिवर्तन बुलाना शिक्षा बच्चों के लिए भी चाहिए पेरेंट्स लोग कहता है बच्चे को नहीं जाने देता गाय भैंस बकरी दे देता चारा चलो अपना शिक्षा है क्या शिक्षा वो कुछ नहीं शिक्षा है इसके प्रति भी देखना ध्यान देना चाहिए अच्छा और अभी जैसे कि कोरोना आया था तो गंदगी के कारण महामारी फैली और मतलब भयानक त्रासदी हुआ इसी तरीके का आपके क्षेत्र में नाला जो है निर्माण तो हुआ है पर उसका सही तरीके से सुचारू ढंग से कहीं कोई बहाव नहीं है कि पानी का निकलना निकास कुछ सुचारू ढंग से नहीं है नाला जहां भी है भर गया है कहां है तो वहीं उस पर पाट नहीं है हाँ तो ये सब चीज भी कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा बनता है
तो आप क्या देख रही हैं कि ये मुखिया द्वारा किया गया कार्य पिछले 5 साल में सफल रहा, या फिर आप जब काम करेंगी तो आपके नजर में इन सब चीजों को किस तरीके से ठीक किया जाएगा? मुखिया ने बोलती तो कुछ नहीं सफल हुआ, वो तो देख ही रहे, वो तो अपना दबंगई से कोई जनता भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या बोलेगा, उसको डर जैसा सब लोग सोचता है कि क्या करेगा नहीं करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं गया। हम लोग सोच रहे हैं कि जब हम लोग कभी भविष्य में बनाने का मौका दिया जाए तो देखेंगे जनता क्या करता है, नहीं करेंगे प्रतिनिधि तब ना बोलेगा, ऐसे थोड़ा बोलता है। तो इसीलिए हम लोग भी सोचते हैं कि कम से कम एक बार हम लोग को भी मौका दिया जाए बनने का। शिक्षा के क्षेत्र में आप बढ़ चढ़ कर विकास करेंगे, सड़क नाला पानी इन सभी के क्षेत्र में भी बात की बात है, मगर सबसे पहले जनता को शिक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और महिलाओं के लिए कुछ विशेष आपने सोच के रखा है ऐसा कुछ? महिला के लिए तो अभी तक तो नहीं सोचे हैं। आने वाले चुनाव में अलग अलग प्रत्याशी का अलग अलग मुद्दा होगा, पर वर्तमान मुखिया द्वारा किया गया घोटाला, की गई लूट खसोट वाकई यहाँ के जनताओं को काफी परेशान कर रही है। हमारे साथ समाज सेवी पिंकी देवी थी और ये आने वाले चुनाव में भावी प्रत्याशी भी है। इनके द्वारा किया गया वादा, इनका मुद्दा कैसा कारगर साबित होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, पर फिलहाल मुखिया द्वारा कोई भी विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं किया गया है। और जब हमने मुखिया से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जनता के सवालों का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, मेरे क्षेत्र में जो भी काम हुआ है वो मेरे मन मुताबिक हुआ है। किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा अपने जनता के सवालों का जवाब नहीं देना, अपने जनता को दरकिनार कर देना, ये प्रजातंत्र की घोर बेइज्जती है। मुखिया का पिछला 5 साल के कार्यकाल में जो काम किया गया उससे खुश हैं आप? बिल्कुल खुश नहीं है। तो क्या क्या विकास कार्य अभी तक रुका हुआ है? विकास कार्य जैसे देखिए, 1 नंबर वार्ड में वो शुरू किया नल जल का योजना 2017 में, और 2017 से 2021 हो गया जनता को वहाँ पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, और त्राही माम है, परेशान है हम लोग, कहीं पानी का कोई व्यवस्था नहीं किया, और हम लोग इतना परेशान है कि पानी के लिए बाहर से लाना पड़ता है, पीने के लिए मवेशी को पिलाने के लिए बाहर से लाना पड़ता है, लेटरिन जाने के लिए बाहर से लाना पड़ता है, हम लोग बहुत कष्ट में है, बहुत परेशान है। और इसमें हम लोग मुखिया जी को बोले कि आप ऐसा कीजिए कि इसको सही ढंग से सुचारू रूप से बनाइए, लेकिन वो बनाने के लिए तैयार नहीं है। बोलने के बाद वो FIR करते हैं गोराडी थाना में और धमकी देते हैं कि अगर इस तरह कीजिएगा तो गोराडी थाना केस कर देंगे, और केस कर भी दिया है। तो यह समस्या है। तो विकास के नाम पर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने लूटने के लिए वो सारा काम कर रहे हैं। नरेगा में जो भी काम किया वो पोखर को या बांध को खरचने का काम किया, जहाँ पक्के नाला बनाया उसमें 1-1 फीट पर छड़ दिया और नाला के नीचे 1 भी छड़ नहीं दिया, और 1-1 फीट पर उसको जबकि 4 इंची 6 इंची पर देना चाहिए था वो नहीं किया, और 6-6 इंची के बदले में 1-1 फीट पर दिए हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग कहीं भी उसका जांच कर किसी भी नाले पर जहाँ वो नाला बनाया है उसमें कहीं भी तोड़वाइए, आपको 1 फीट से पहले नाला पर छड़ नहीं मिलेगा, और नीचे भी तोड़वाइए तो छड़ नहीं दिया गया है नरेगा में या वो नाला में ऐसा व्यवस्था वो किए हैं। देखिए अभी जो चुनाव है हम लोगों को ऐसा मुखिया नहीं चाहिए, ये सबका साथ और अपना विकास करने वाले मुखिया हैं, ऐसे मुखिया की हम लोगों को जरूरत नहीं है। हम लोगों को स्वच्छ छवि की मुखिया चाहिए और जो अच्छा काम के में करे समाज के लिए, सबके साथ मिलजुल कर काम करे, वैसा ही मुखिया चाहिए हम लोगों को।